तीन घंटा के बाद आया, पूछिए मेरा बेटा फोन किया कि सर यहाँ आई है वीडियो सीएम कोच रहे भागलपुर वाला क्या बोल रहा है। किसी का भी जाए ना वो तुरंत ही एक्शन ले और तुरंत ही वहाँ पे पहुँचे, इतना लेट नहीं करना चाहिए। आने में उसको जो है यहाँ से 5 मिनट के रास्ते में जो उसको जो 2 घंटे का समय लग गया, तो आप बता सकते हैं कि जो है यहाँ पर का जो कैसा सिचुएशन है, कैसा जो है प्रशासन है। नमस्कार, मैं हूँ आर्यन, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अभी हम राजपुर में मौजूद हैं जो कि सबौर के करीब है, अभी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। पहले बता दें कि बाढ़ के कारण एक छोटा बच्चा का जान चला गया है, कहीं ना कहीं SDRF टीम का इसमें बहुत ही मतलब की दिक्कत था, वो आया नहीं, टाइम पे नहीं आया। और एक बात बता दें कि बिहार में पहले से ही बाढ़ को लेकर के तैयारी चल रहा था बहुत जोरों शोर से, कहीं ना कहीं तैयारी विफल दिख रहा है। और कितना विफल है वो अभी यहाँ का आम पब्लिक ही बताएगा। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? यहाँ जो है ना बच्चा गया जो है ना उधर जा करके नहाने लगा, उसके बाद जो है कि डूब गया, समझे ना। उसके बाद वहाँ पर कोई आदमी वहाँ पर नहीं था जो निकालने का, अचानक गड्ढा में चला गया, रेत करंट था, उसके बाद जो है वो बह गया। अच्छा ये बताइए, इतना ज्यादा पानी तेज चल रहा है जो कि बारिश नहीं हुआ है? हाँ। बारिश होता तो कितना ज्यादा पानी तेज चलता? SDRF का टीम समय पर नहीं आया, लेकिन उसको वहाँ पे मौजूद पहले से होना चाहिए था सुरक्षा के लिए। उसके बाद भी यहाँ से जा करके ब्लॉक में लाया गया मोटरसाइकिल से, फोन पर फोन कर रहा था। उसके बाद तो यहाँ ब्लॉक वाला तो टीम आ गया, लेकिन भागलपुर वाले टीम को बोला तो वो बोला कि कल जो है ना आज का रात कहने का मतलब कि अगर कोई लड़का अभी डूब रहा है, कोई युवक अभी डूब रहा है, तो कल आकर उसको छांक के मतलब मुर्दा निकालेगा। हाँ, यही ना, यही बात मतलब सरकार उसको मुर्दा निकालने के लिए रखा गया, मतलब कि जिंदा नहीं निकालने के लिए रखा गया, यही ना। हाँ, वही चीज बोला गया ना फोन पे। अच्छा ये बताइए यहाँ का प्रशासन का कैसा सपोर्ट था? प्रशासन को सपोर्ट किया गया, वो भी लेट से ही आया है। कितना लेट से? डेढ़ घंटा मोटा मोटी आ गया। देखिए एक चीज और है, SDRF का टीम लेट तो गया ही गया, जहाँ पे घटना स्थल से मात्र 1 किलोमीटर का दूरी था ब्लॉक से जो SDRF का टीम जाता 5 से 10 मिनट में पहुंच जाता अगर वो एक्टिव होते। वो एक्टिव नहीं थे इसलिए बहुत लेट पहुंचे वहाँ पे, ये नाकामयाबी साबित होता है। क्या भैया सही बोल रहे हैं ना? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे ओर से फोन किया गया कि आप जल्द से जल्द आए, अगर टाइम से SDRF की टीम आती तो ऐसा कुछ नहीं हादसा होता। अगर टाइम से आती यहाँ के हो सकता था कि जान बच सकती थी, क्योंकि सिचुएशन ऐसा था, अगर टाइम से पहुंचती तो यहाँ पे जान बच सकती थी। कॉल करने के बाद बोलते हैं कि ड्राइवर नहीं है, बाद में आएंगे, कोई आटा लाने गया, ये SDRF की टीम बोलती है। जब सरकार आपको पैसा दे रही है, हर चीज़ दे रही है, 2 महीना आपको एडवांस रखी है ब्लॉक में और आधा किलोमीटर की दूरी है, फिर आप टाइम पे नहीं आती है, तब सरकार से क्या चीज़ की पैसा लेते हैं? सबसे बड़ा बात ये है कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जो मेन सिटी के करीब है, ऊपर से क्या पहले से तैयारी चल रहा है? जी। दूसरा बात और कि बाढ़ नहीं आया फिर भी ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सिस्टम करप्ट है और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर मान लीजिए कि अगर गांव करीब है, सटा हुआ बाढ़ नदी है, और तो इस पर तो हर टाइम SDRF की टीम को तैनात रहना चाहिए, कि देखते रहना चाहिए, उसका मुआयना करना चाहिए कि कौन लोग जा रहा है वहाँ पे, कौन लोग नहीं आ रहा है। इस चीज़ से उसको परहेज करना चाहिए कि कौन छोटा बच्चा उसके करीब ना जाए जैसे बच्चे की जान जा सके, और जो कि बहुत बड़ा सदमा हो जा चुका है उसकी माँ बाप को, उसकी माँ का। ये बताइए SDRF की टीम में आप किसको कॉल किए थे, कोई नाम वाम पता है आपको? नाम नहीं पता था, हमारे गाँव के सरपंच साहब, मुखिया साहब, सभी लोग कॉल किए थे उसको कि टाइम से आ जाइए, तो बोला गया था कि यहाँ पे जो है तो गाड़ी का ड्राइवर अभी अवेलेबल नहीं है, तो 2 घंटा के बाद जो है तो आया गया। 2 घंटा लगा 1 किलोमीटर चलने में? जी 2 घंटा। देख लीजिए बिहार का दुर्दशा कितना खराब है कि 1 किलोमीटर सरकारी कर्मचारी को चलने में कितना 2 घंटा लगता है, 2 घंटा लग जाता है। बाकी और लोग क्या क्या होना चाहिए ये बताइए। देखिए सबसे पहले तो SDRF की टीम को जो है अभी हमारे ब्लॉक में है, तो उसको जो है एक्टिव रहना चाहिए, जब भी उसको फोन किया जाए इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन में उसको जो है तुरंत आ जाना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट वो टाइम ले सकता था, लेकिन मात्र 1 किलोमीटर का दूरी था और 2 घंटे लगाए आने में। 1 किलोमीटर से भी कम होगा, फिर भी घंटा उसमें ज्यादा लगाया। हम लोगों ने जब फोन किया था तो उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं, आने में उसको जो है यहाँ से 5 मिनट के रास्ते में जो उसको जो 2 घंटे का समय लग गया, तो आप बता सकते हैं कि जो है यहाँ पर का जो कैसा सिचुएशन है, कैसा जो है प्रशासन है। मेरा 11 नंबर वार्ड जो है कम ही लेकिन आप लोग इतना बस इतना आप लोग जान लीजिए कि जो सरकारी कर्मचारी है, ड्राइवर कोई और काम कर रहा है, जो कर्मचारी है वो कोई और काम कर रहे हैं, अगर कोई डूब रहा है तो उनको देखने के लिए पहले अपना काम देखेंगे तब आएंगे वो, कहने का मतलब ये है। उसके लिए सही बोल रहे ना? सही बोल रहे। उसके लिए बेजाबता यहाँ से लोग जब गए 10 से 15 लोग, हम लोग हंगामा किए वहाँ से तब साथ में आए, नहीं तो नहीं आने के तैयार में। तो उसके अलावा भी एवेज बोला कि ड्राइवर नहीं है गाड़ी पे, तो गाड़ी कैसे जाएगा?
तो ये कमी किसका है? एसडीआरएफ की कमी है कि जनता की कमी है? इसमें जनता की तो कोई कमी नहीं, जनता का काम होता है कि जाकर के उनकी मतलब खबर पहुंचा दे ताकि जल्दी से पहुंचे, बच्चे की जान बच सकती थी। उन्होंने अपनी लापरवाही की वजह से आज इस बच्चे की जान गई है। बस इतना मान के चलिए कि जो सिस्टम है हर चीज़ का एक समाधान निकाल के रखा है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे जो काम होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। बाकी घर के परिजनों से और हम पूछेंगे, घर में पूछेंगे क्या हाल चाल। आ जाइए आप लोग, हटिए तो साइड हटिए। आ जाइए, कौन है मम्मी, कौन है इनके, क्या हो गया था चाची, क्या कैसे हो गया सर? बेटा हमरा चल लोग ले के लिए पढ़ाई बहुत कर गए कहाँ ये बेटा हमरा गेलन ओकरा सतम कल कह कि चल रे अथी घूरा लिया, हम कह रहे कि पढ़ने के लिए बेटा जाओ, बेटा ने कल कह कि ना मम्मी आ रहे हैं हम तुरंत हम चले जाएंगे पढ़ने के लिए, तू कहाँ गया, साथ में चला गया, हम कहाँ बता, खोजते खोजते अभी मिला। ये बताइए एसडीआरएफ का टीम 1 किलोमीटर मात्र दूरी था, 2 घंटा लगा आने में, क्या कहेंगे इस पे आप? कल आएंगे बोला, कल आएंगे, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, कल होगा, गया आने के लिए आदमी, लाने के लिए तब वो आया, नहीं तो ऐसे ना बोला कि कल आएंगे। कहने का मतलब देख लीजिए, कहीं कहीं ना कहीं जान जा रहा है, वो अपना काम धंधा देखेंगे, वो कल आएंगे, कल आएंगे यही बोला कहता है कि नहीं आएंगे अभी, और स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल, नहीं लग रहा है। अच्छा कितना साल का बच्चा था आपका? वही 13 साल का था। किस क्लास में पढ़ता था? पता नहीं, इसका मम्मी है। 7-8 में पढ़ाई कर रहा था लड़का, देख लीजिए गए पर ट्यूशन। अच्छा सरकार से क्या मांगे आपका? क्या मांगे मेरा भाई चला गया, हम क्या मांग सकते हैं उसके लिए? अब मेरा भाई लौटा देगा? प्रशासन और जो एसडीआरएफ का टीम है वो तो दोषी है ही, लेकिन सरकार से अब आपका क्या मांग है? अब यही मांग है कि बच्चे के साथ इसी तरह का ना हो तो ऐसा नहीं करे एसडीआरएफ को, ये सूचना। आ जाइए इधर आ जाइए, हम सामने बोलिए, एसडीआरएफ को ये सूचना देना चाहते हैं कि जब कॉल किसी का भी जाए ना वो तुरंत ही एक्शन ले और तुरंत ही वहाँ पे पहुँचे, इतना लेट नहीं करना चाहिए, किसी का भी बच्चा हो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, चाहे मेरा हो या किसी का भी हो उसे इससे नहीं करना चाहिए। लेकिन वो लोग इसको सीरियसली नहीं लिए और एक किलोमीटर मात्र 2 घंटा में आया, वो सोचते है कि वो हमारा तो कोई नहीं है ना, इसीलिए वो सीरियसली नहीं लेते, दूसरे का बच्चा है वो अपना नहीं समझते है ना। अच्छा ये बताइए सरकार से अब आप लोग का क्या मांग है? मेरा कोई मांग नहीं है सरकार से, बस ये गुजारिश है कि ये सारा टीम को जो है ना अलर्ट किया जाए कि एक बार कॉल जाए वो सीधा अपना काम अपनी ड्यूटी करे, ये समझना चाहिए उसे, अगर वो ये काम करते ना तो आज मेरा भाई जिंदा होता, ये मैं कह सकती हूँ। देख लीजिए कहीं ना कहीं कितना ज्यादा दर्द है, देख लीजिए एसडीआरएफ का टीम अगर सही समय पे काम करता तो बच्चा जरूर बच जाता, ये हमारा भी उम्मीद है, क्योंकि 1 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूरी नहीं होता, 10-15 मिनट 5 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि वो टीम बहुत ही एक्टिव होता है इस सब चीज काम करने के लिए, क्या भी हम सही बोल रहे हैं ना, बहुत एक्टिव होता है, सरकार उसको एक्टिव रखा है और उसको घटना से पहले बोलता है कि एक्टिव रहो ताकि कोई घटना हो तो समय पे पहुंचे, लेकिन वो लोग पहुंचता नहीं है, कहीं ना कहीं सिस्टम का ये फॉल्ट है। वही आने के लिए गया तब अभी आया तभी काला हम बच्चा मर गया, क्या करेंगे काल के, अभी 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 थाना लेके जाया गया है ना? हाँ थाना ले गया है, अभी थाना में क्या मांगे उसका? हम क्या मांगेंगे, हमको अभी तो लेके गया है, अभी लेके गया ही है, अब उधर से बोलेगा हमको हाथी घोड़ा दीजिए, कोई नहीं बोलेगा, तुरंत मर गया बच्चा, कुछ मांग सकता है सरकार से? वो सरकार को नहीं सोच रहा कि इसका जवान बच्चा चला गया, बिना मांगे बिहार है कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, बिना जान चला गया ठीक है, लेकिन बिहार है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा बिना मांगे, आपको मांगना पड़ेगा, बच्चा 5-6 लाख रुपए नहीं देगा तो क्या देगा? आई बे नहीं किया, 3 घंटा के बाद आया, पूछिए मेरा बेटा फोन किया कि सर यहाँ वीडियो सीएम कुछ नहीं, यह बोला भागलपुर वाला बोला कि कल हम आएंगे, कल बच्चा मर गया जुबा है, कल आके क्या करेगा यहाँ? अरे वो लोग जो है ना बस अपना काम किसी तरह चला रहे हैं, किसी तरह जो है ना अपना मतलब की ड्यूटी निभा रहे हैं, अगर वो सच्चा काम करते तो नहीं मरता। वहाँ गया
ब्लॉक में तब जाके आया है, पूछिए मेरा बेटा सुना फोन किया, दूसरा को फोन किया मोबाइल पर, तब बोला हमारा बेटा पूछा, दौड़ के गए हम लोग दोनों को। बिहार बिहार का देख लीजिए, बाढ़ में जबकि बारिश नहीं हुआ है, पहली बार कोई बच्चा ऐसे डूब के मर रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा नाकामयाबी साबित होता है, उनको एक्टिव रहना चाहिए था क्या भैया, सही बोल रहे हैं ना हम? जी जी बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा सिचुएशन है तो, और सरकार को और SDRF की टीम को तो हर समय तैनात रहना चाहिए, क्योंकि हर टाइम तो उसको कॉल नहीं कर सकते हैं ना, जब इमरजेंसी सिचुएशन रहेगा तभी तो उसको याद करेंगे, आप इमरजेंसी में आप आए नहीं कीजिएगा, आप जब बच्चा मर जाएगा तब आइए तो आपके आने से क्या फ़ायदा, आपको तो इमरजेंसी के लिए रखा गया है ना, आप तो ऐसे नहीं रहे हैं इमरजेंसी में कॉल करते हैं, आप तो ड्यूटी निभा रहे सिर्फ, ऐसा थोड़ा ना किसी का बच्चा मर रहा है, जान चला जा रहा है उसका, और आप जो है लेट सा करें क्या आप सिर्फ करवाएंगे, आप यही कि सिर्फ बॉडी निकाल दें क्या, आपका यही फर्ज निभा सकते हैं, मरा हुआ लाश दे दिए ये हो गया, आप भागलपुर में फ़ोन किया है, आप बोलते हैं कल आएंगे, एक हमारे बंटी भी है इसका भी बयान लीजिए, जब फ़ोन किए तो बोलते हैं कि इसको जो है तो कल आएंगे सुबह आएंगे, अभी आदमी नहीं है। अच्छा, आपसे ही बात हुआ था? हाँ मेरे से बात हुआ था, मैंने एसडीआरएफ भागलपुर में बात किया था, तो जब मैंने वहाँ पर बात किया तो उन्होंने जो इसको उनके स्टाफ थे उनसे पहले बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आपने जो है CEO जो है सबोर को फ़ोन किया है, उन्होंने बोला कि CEO से आपने बात किया, मैंने बोला कि सर मेरे पास CEO का नंबर नहीं है, तो जो है मैं आपको फोन आने का मतलब कि कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन में रहे तो प्रधानमंत्री से बात करें SDRF टीम के लिए, है ना? हाँ, तो मैंने जो है मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला कि जो आपके पास CEO का नंबर है, मैंने बोला सर मेरे पास CEO का नंबर नहीं है, एक बार सर आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए और मुझे मैसेज भी कर दीजिए या मुझे नंबर बता दीजिए, मैं भी उनको कॉल करूँगा, उन्होंने बोला कि मैं ठीक है तुम्हें मैसेज करता हूँ और जो मैं उनको जो है बता भी देता हूँ, उसके बाद कुछ देर के बाद अगर मैसेज नहीं आया मेरे पास तो मैंने फिर जो है उनको जो कॉल किया, फिर जो है बात करने के बाद उन्होंने बोला कि मैंने आपको भेज दिया, फिर मैंने क्रॉस चेक किया तो जो हाँ आ गया था, फिर मैंने उसको जो है अजी यहाँ पर के जो CEO है मैंने उनको जो कॉल किया, पहले दो बार तो जो इंगेज बताया लगा नहीं, उसके बाद तीन चार बार रिंग होने के बाद ही उन्होंने जो है फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद एक बार फ़ोन उठाया भी तो हेलो हेलो करते करते उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, उसके बाद जो है फिर मैंने यहाँ से मैसेज भी किया, मैं आपको मैसेज भी दिखाता हूँ मैंने यहाँ पर से जो मैसेज किया था, और ये देखिए जो ये SDRF भागलपुर से बात होने के बाद उनसे जब बात हुआ तो उन्होंने बोला था कि मैसेज के थ्रू आपको भेजा जाएगा, तो CEO सबोर का जो है उन्होंने नंबर भी भेजा है और इस पर मैंने कॉल भी किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है भैया, आप सही बोल रहे हैं, देखिए अब सिस्टम से एक ही रिक्वेस्ट है कि सिस्टम में जितने भी अधिकारी हैं, चाहे बड़े अधिकारी हो चाहे छोटे अधिकारी हो, जब फील्ड पे अगर इमरजेंसी लगता है तो उनको सही समय में पहुंचना चाहिए, बाकी कागज पत्र वाला वर्क तुम थोड़ा देर बाद भी कर सकते हैं, पहले जान बचना चाहिए। यस, मुझे जो SDRF जो है भागलपुर की तरफ से ये बताया गया कि जो है भैया आपको जो अभी आधा घंटा जो है यहाँ से जाने में ही लगेगा SDRF को टीम को, और जो है रात में ऑपरेशन नहीं होता है, और ऐसा बोला गया कि रात को ऑपरेशन नहीं होता है, आपका जो भी ऑपरेशन होगा वो कल होगा, ऐसा मुझे बताया गया, और जो हमारे कॉल करने से पहले भी यहाँ पर के एक जो है राजपुर के मोहम्मद आसिक हैं भैया, वो जो है कॉल किए थे इधर ब्लॉक में, यहाँ पर सभी फोन करके बताया गया कि आप लोग SDRF वाले जो है जल्दी से आ जाइए, लेकिन जो है वो लोग कोई नहीं आए, डेढ़ दो घंटे के बाद उनसे ज़्यादा ही टाइम हुआ होगा, लेकिन जो कोई नहीं आया उसके पौने एक घंटे के बाद जो है यहाँ से 10-15 लोगों के द्वारा जाने के बाद वहाँ से उन लोगों को जो है लेके आया गया, और वहाँ भी मोटरसाइकिल पर, हम लोगों को जल्दी था तो जो है मोटरसाइकिल पर, पता नहीं वो लोगों का जो है क्या ड्राइवर का क्या इशू था पता नहीं, उन लोगों को जो है मोटरसाइकिल पर, तीन चार मोटरसाइकिल पर ज़बरदस्ती जो है लेके आया, चलिए हमारा बच्चा है वो डूब रहा है, तो जो उनके लिए जो कुछ एक्शन लीजिए ताकि जान बचाया जा सके उसका, तो इस तरह से लेके आया गया, तो आप सोच सकते हैं देख लीजिए SDRF टीम को रखा गया कि दूसरों को जान बचाए, बाढ़ पीड़ित या कोई आपदा हो उसे बचाए, यहाँ के गांव के लोग 4-5 जा रहे हैं मोटरसाइकिल से उसको लाने के लिए, तब वो आ रहे हैं जान बचाने के लिए, उतना में तो जान चला ही जाएगा, बात किया जाए, और इसके अलावा जो हमारा डिमांड है कि जो है परिवार को जो है इसके लिए जो है सहयोग राशि दिया जाए ना, बाकी देखते रहिए सिल्क TV, कैसा लगा हमारा प्रयास आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, धन्यवाद।